और 1 रुपए कमाओ, 1.25 रुपए खर्च होता हो, पैसा हाथ में नहीं दिखता हो, तो शिव महापुराण में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया दीप महत्व का। घर में 2 दिए हमें रखना चाहिए, घी का दिया हो चाहे तेल का दिया। ज्यादा से ज्यादा दियों को बदलना नहीं चाहिए, जैसे मालूम पड़े आज ये वाला दिया लगा दिया, फिर 15 दिन चला उसको फेंक दिया, दूसरा दिया लगा दिया। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण कहती है, जिसके घर में दिया एक रहता है और वही दिए में निरंतर बत्ती लगती रहती है, तो उसके घर में संपदा की वृद्धि होती रहती है। दिया ज्यादा नहीं लगता, संपदा का। बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार के दिन किसी ब्राह्मण को यदि या ब्राह्मण के बालक को खीर का भोजन करा दिया जाए, और यदि ये भी नहीं करा सके तो सोमवार की सोमवार शाम के समय अगर बेलपत्र के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर आए, 5 सोमवार लगाकर आइए, अपने आप लक्ष्मी में बरकत बनना चालू हो जाती है, संपदा बनना चालू हो जाती है। क्यों? रुद्राक्ष का वृक्ष भगवान शंकर के नयन अश्रु से बना है, और बेलपत्री का वृक्ष माता पार्वती के नयन अश्रु से। इसलिए बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम को दिया लगाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। व्यापार नहीं चलता तो लक्ष्मी आती है, कहीं पैसा डूब गया तो लक्ष्मी प्राप्त होती है। हजारों लाखों गुना पुण्य बेलपत्री के पेड़ के नीचे की मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करने से प्राप्त हो जाता है, हजारों लाखों गुना पुण्य। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता, बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन कर आराधना कर घी का दिया लगाकर शंकर भगवान के शिवलिंग का विसर्जन शाम के समय करे, 1 घी का दिया मंदिर से विसर्जन के बाद आकर फिर बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाए, और बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाकर 7 परिक्रमा बेलपत्री के पेड़ की कर ले, झोली पसार का प्रणाम करके बेलपत्री के पेड़ के नीचे की मिट्टी को सिर पर लगा ले और चले जाए, 3 से 4 महीने के अंदर उसका विवाह पक्का हो जाता है। मां, ये साधारण नहीं है, लक्ष्मी तू इसके नीचे निवास, इस बेलपत्र के नीचे तेरा निवास है। तो यहां रहे, पहले भी कथाओं में करा है, कैसी भी रोग हो, कैसी भी बीमारी हो, बस निवेदन इतना है, अगर ज्यादा बीमारी घेर कर रखी है, 1 लोटा पानी कलश में जल, थोड़ा दूध, और जो व्यक्ति बीमार है उसका वस्त्र उस लोटे को छूला, 1 बेलपत्र उसमें पटक दो, और शंकर भगवान शिवलिंग पर, कोई भी शिवलिंग जो मंदिर में हो, चाहे वो गुप्तेश्वर शिवलिंग हो, कुबेरेश्वर हो, माहेश्वर हो, बटकेश्वर हो, पिपलेश्वर हो, नर्मदेश्वर हो, सोमेश्वर हो, नादेश्वर हो, धनेश्वर हो, हरीश्वर हो, कोई भी शिवलिंग जो आपके नजदीक में हो, जो मंदिर आपके पास में, 1 लोटा पानी ले जाकर जो बीमार है उसके नाम से नाम और गोत्र बोलकर शंकर को समर्पित कर दो। महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे शिव पर, आराम लग जाएगा, लगभग 1 घंटा 2 घंटे। शंकर को 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी महीने की शिवरात्रि को यमुना का जल और गंगा का जल दोनों एक साथ जब चढ़ाते हैं तो मनुष्य की मनोकामना 3 महीने के अंदर पूरी हो जाती है। महाराज, 3 माह। इसलिए आज भी लोग मानसी गंगा के तट पर जो चपलेश्वर महादेव हैं, उनको जल चढ़ाने के लिए यमुना जी का जल कावड़ में भर कर ले जाते हैं। कहां लेकर जाते हैं? चपलेश्वर महादेव पर। यमुना मथुरा से जल गोवर्धन लेकर जाते हैं चपलेश्वर महादेव, चपलेश्वर यमुना का जल लेकर जाते हैं। शास्त्र कहता है, मानसी गंगा के तट पर गिरी गोवर्धन जी की परिक्रमा में जो मानसी गंगा पड़ती है, मानसी गंगा के तट पर चकलेश्वर महादेव विराजमान है, यमुना जी का जल भरकर जो प्रदोष के दिन चकलेश्वर महादेव को 3 बेलपत्र 1 शनि का पत्र उसमें कलश में डालकर, 7 चावल के दाने उसमें डालकर, जिस व्यक्ति से पैसा लेना हो वो नहीं दे रहा हो, रुपया अड़ गया हो, कहीं व्यापार में डूब गया हो, धन नहीं आ रहा हो, वो जल जो शंकर जी को चकलेश्वर महादेव को समर्पित कर देता है, उसका धन गया हुआ 6 महीने के अंदर उसके पास वापस प्राप्त हो जाता है चकलेश्वर महादेव। मैं फिर निवेदन करूंगा, जीवन में अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है ज्यादा, तो शमी वृक्ष की 108 पत्तियां, 133 पत्तियां, 111 पत्तियां शमी वृक्ष की पत्तियों को लो, शंकर भगवान पर समर्पित करो, फिर जल चढ़ाओ, फिर समर्पित करो, फिर जल चढ़ाओ, फिर समर्पित करो, फिर जल चढ़ाओ, फिर समर्पित करो, फिर जल चढ़ाओ,
फिर समर्पित करो, फिर जल चढ़ाओ। 133, 111, 122 जितनी बार बन सके समर्पित कर कर आपका दुख शिव से कहो, शंकर सुख देगा, ये सुख देगा। बेल पत्र यदि लक्ष्मी प्रदान कर रहा है, बेल पत्र यदि आपको संपदा प्रदान कर रहा है, तो शमी पत्र आपको वैभव प्रदान कर रहा है। शमी पत्र आपके जीवन में सुख का अनुभव कर रहा है। शमी पत्र आपके जीवन में अटके हुए काम को सिद्ध कर रहा है। वैभव, कार्य सिद्धि, सुख, ये शमी पत्र प्रदान कर रहा है। इसीलिए बेलपत्र तो केवल भगवान शंकर को चढ़ती है, बेलपत्र गणेश जी को चढ़ती है, देवी को बेलपत्र, और शमी पत्र एक ऐसा पत्र होता है, 33 कौटी देवता शमी पत्र को पाने के लिए, 33 कौटी देवता शमी पत्र के सुख का आनंद पाते हैं, ऐसा 33 कौटी देवता। शमी का पौधा कब भगवान शंकर के शरीर से प्रकट हुआ? बेलपत्री का पौधा तो माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुआ, रुद्राक्ष का पौधा भगवान शंकर के नयन अश्रु से प्रकट हुआ, और शमी का जो पौधा है वो उमा और महेश, जब माता पार्वती का एक अवतार हुआ था उमा अवतार, जब माता पार्वती उमा अवतार लेकर प्रगटी थी तब भगवान शंकर महेश्वर बनकर प्रगटे, और उमा और महेश्वर का जब मिलन हुआ, और मिलन होने पर दोनों की दृष्टि एक जगह पर पड़ी, पड़ने पर एक पौधा उत्पन्न हुआ, वो शमी का पौधा है। शिव महापुराण में वर्णन करा स्वयं शंकर से, स्वयं शंकर भी सम्मुख में है, और अगर शिवलिंग की आराधना कर रहे हो, भगवान शंकर की अगर आराधना कर रहे हो, तो शिवलिंग की महत्वता पूर्णता में होगी। क्यों? शंकर मिलने आएंगे तो अकेले हैं, पर शिवलिंग की आराधना कर रहे हो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों उसी में। एक शिवलिंग में आपको पहले भी कहा है कि शंकर का शिवलिंग जो होता है उस शिवलिंग में नीचे का भाग ब्रह्मा है, मध्य का भाग विष्णु है, और ऊपर का भाग शिव है। उसी शिवलिंग में स्वयं माँ जगतजननी जगदम्बा विराजी है, उसी शिवलिंग में गणेश विराजे हैं, उसी शिवलिंग में कार्तिकेय विराजे हैं, उसी शिवलिंग में भगवान शंकर की 5 लड़कियां जया विषहरा सामरीबानी दोतनी देव ये विराजी हैं, उसी शिवलिंग में शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी विराजी है, संपूर्ण परिवार और 33 कोटि देवताओं का जो आराध्य देव है ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तीनों शिवलिंग में है। पूरे भूमंडल पर, ये पूरी पृथ्वी पर शंकर जी की बड़ी बड़ी मूर्तियां नहीं मिलेंगी मंदिर के अंदर, राम जी की मूर्ति मिलेगी, भगवान कृष्ण की मूर्ति मिलेगी, जगदम्बा दुर्गा भवानी की मूर्ति मिलेगी, दत्त भगवान की मूर्ति मिलेगी, शनि महाराज की मूर्ति मिलेगी, नरसिंह भगवान की मूर्ति मिलेगी, पर भगवान शंकर की कोई मूर्ति मंदिर के अंदर नहीं, शंकर का शिवलिंग मंदिर के अंदर मिलेगा। क्यों? क्योंकि शंकर कहते हैं मेरे लिए ब्रह्मा विष्णु सारे देव मेरे अपने हैं, इनको छोड़ नहीं सकते। घर में भी अगर शंकर भगवान का शिवलिंग रखते हैं अपन, तो शंकर जी की जो जलाधारी का मुख होता है वो उत्तर का, भगवान को जब भी बेलपत्र आप शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो ये डंडी का मुख आप जहां बैठकर कर रहे हो, आप उधर बैठे हो, इधर बैठे हो, इधर बैठे हो, जहां तुम भगवान शंकर के सामने बैठे हो, इस डंडी का मुख तुम जिस जगह पर बैठकर बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, तुम जिस जगह बैठकर बेलपत्र चढ़ा रहे हो, तुम जिस जगह बैठकर बेलपत्र को भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो, इस डंडी का मुख आपके ठीक विपरीतता के भाव में होना चाहिए। भगवान शंकर को जहां बैठकर चढ़ाओ डंडी का मुख विपरीत मारा। जब शमी पत्र भगवान शंकर को समर्पित करो तो शमी पत्र की डंडी का भाग आपकी ओर होना चाहिए, बेलपत्र की डंडी विपरीता भाव और शमी पत्र की डंडी का भाव, शमी पत्र की जो डंडी होती है उसका भाग अपनी ओर होना।